नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखें। डीएसएसबी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिली आज, जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एमसीडी के जो रिजल्ट्स हैं, जो डीएसएसबी के रिजल्ट्स हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग में हैं। एग्ज़ाम हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। पीजीटी के कुछ रिजल्ट को छोड़ के और रिजल्ट्स अभी पेंडिंग में हैं। इसके बाद धरना भी दिया गया था। उस टाइम डीएसएसबी ने आरटीआई का जवाब दिया था कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी हमारे साथियों ने आज डीएसएसबी ऑफिस में बात की थी, तो वहां से जो खबर मिली है आपको बिल्कुल चौंका देगी। रिजल्ट से जुड़ी हुई खबर है साथियों, उसमें डीएसएसबी ने क्या जवाब दिया है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे साथियों की डीएसएसबी ऑफिस में बात हुई थी, तो डीएसएसबी ने जो जवाब दिया है, डीएसएसबी ने कहा है कि अभी जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने में अभी टाइम लगेगा। अभी पीजीटी के जो रिजल्ट है उन पे काम चल रहा है, वो रिजल्ट आएंगे, इसके बाद टीजीटी, इसके बाद पीआरटी, मतलब अभी और टाइम लगेगा। उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी 2019 के बाद पीआरटी रिजल्ट आएगा। उसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि 15 फरवरी के बाद कितना टाइम और लग सकता है, लेकिन 15 फरवरी के बाद रिजल्ट आएगा, उससे पहले रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जो साथी वेट कर रहे थे उनके लिए ये बहुत ही निराशाजनक खबर है। तो साथियों, आगे क्या स्टेप लिया जाएगा उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इसके बाद डीएसएसबी ने जो अभी टीजीटी के रिजल्ट हैं उनके लिए भी कोई फिक्स डेट नहीं बताई कि अभी कितना टाइम और लग सकता है। तो टीजीटी के रिजल्ट तो अभी लगभग रह रहे हैं और पीजीटी के रिजल्ट भी रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि कम से कम एक महीना इन रिजल्ट को करने में भी लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक महीना और ज्यादा टाइम वो लगा सकते हैं, लेकिन जो उनका जवाब था वो संतोषजनक नहीं है। हालांकि जो आरटीआई का जवाब आया था उससे लगा था कि अभी 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट नहीं आता है तो कोई बड़ा स्टेप लिया जाएगा। तो अभी जो हमारे साथियों से बात हुई थी, तो उनका जो अभी नेक्स्ट स्टेप है वो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हालांकि जो साथियों ने बात करी थी, विजेंद्र गुप्ता है, विपक्ष के नेता हैं, उनसे बात की जाएगी और रिजल्ट के बारे में जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन किया जाएगा। हालांकि उम्मीद यही है कि आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, जिससे आगे कोई भी कार्य किया जाएगा तो आप उसमें सहयोग करेंगे। तो साथियों, ये खबर थी। हालांकि जो भी साथी रिजल्ट की वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी निराशाजनक खबर है, और स्पेशल वाले, टीजीटी वाले, एनटीटी वाले जो भी साथी हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो साथियों ज़रूर आप आइए, जिससे रिजल्ट जल्दी आ सके, डीएसएसबी पर तब आप बनाया जा सके। इसके बाद साथियों, मैंने एक सीरियस टॉपिक पर इंग्लिश के इम्पोर्टेंस के बारे में एक छोटी मूवी बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो दूसरा चैनल है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। मैं हूँ हरबीर सिंह और आप देख रहे थे आपका अपना स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। तो साथियों, गुड बाय।